हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा सेवेंथ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो सेकेंड यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम फिफ्थ वाला टॉपिक जो है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, इसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके अंदर हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है। पहला है नीड फॉर द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू एंड मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म्स। इसमें से मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म में से कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं, बट फिर भी यहाँ पर ब्रीफ के अंदर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिर्फ मेडिकेशन हिस्ट्री जो है इसका क्या मतलब होता है। मेडिकेशन हिस्ट्री इज़ अ डिटेल्ड एक्यूरेट एंड कम्प्लीट अकाउंट ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन दैट अ पेशेंट हैड टेकन और इज करेंटली टेकिंग प्रायर टू अ न्यूली इनिशिएटेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और एम्बुलेटरी केयर। तो मेडिकेशन हिस्ट्री जो है सिंपली, जैसे कोई भी एक पेशेंट है, ठीक है, उन्होंने अभी तक कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं, अभी वो कौन सी दवाई ले रहे हैं, कौन सी वो प्रेस्क्राइब दवाई उन्होंने ली है, कौन सी नॉन प्रेस्क्राइब दवाई ली है, इसका कंप्लीट अकाउंट जो है उसी को सिंपली मेडिकेशन हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये एक डिटेल्ड एक्यूरेट एंड कंप्लीट अकाउंट होता है कि एक पेशेंट ने कौन कौन सी दवाइयाँ जो है पहले ली हैं या फिर अभी ले रहे हैं, प्रेस्क्राइब या फिर नॉन प्रेस्क्राइब दवाइयाँ। ठीक है, हम कोई नया प्लान दवाइयों का स्टार्ट करें उसके पहले, ठीक है, जैसे अभी कोई हमारे पास में पेशेंट आया दिखाने के लिए कि मुझे ना ये दिक्कत आ रही है, तो उससे पहले उनकी कंप्लीट मेडिकेशन हिस्ट्री जो है वो चेक करी जाती है कि उन्होंने अभी तक कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं, कितने टाइम तक ली हैं, अभी कौन सी दवाई ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाती है, उसी को हम लोग सिंपली मेडिकेशन हिस्ट्री जो है वो कहते हैं। अब आता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो सिंपल सा इसका मतलब ये होता है, मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब दवाइयों की कंप्लीट डिटेल एंड बीमारियां क्या कहती है उसकी कंप्लीट डिटेल, है ना। तो इंटरव्यू के अंदर यही सारी चीज़ें जो है वो पूछी जाती है कि पेशेंट ने अभी तक कौन सी दवाइयाँ ली हैं, क्या दवाई उन्होंने किस कारण से ली थी, कौन कौन सी प्रेस्क्राइब दवाई ली है, नॉन प्रेस्क्राइब दवाई ली है, या फिर अभी कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका कंप्लीट जो डेटा होता है ना उसी को पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री कहा जाता है। ये चीज़ जो पेशेंट से पूछी जाती है तो उसको हम पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कह देते हैं। ठीक है, इसका मेन गोल ये रहता है कि दवाइयाँ पेशेंट ने जितनी भी ली हैं, जब भी लिए, उसकी कंप्लीट हम लोग को डिटेल मिल जाए, जिससे कि हम पेशेंट जो है उसे अच्छे से एंड बेटर दवाइयाँ जो है वो प्रिस्क्राइब कर सके। ठीक है, अब पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू जो है ये मदद करता है प्रिस्क्रिप्शन एरर्स जो है वो ना हो, उस चीज़ में मदद करता है, एंड किसी भी तरह का रिस्क जो है वो पेशेंट को ना लेना पड़े, क्योंकि सारी दवाइयों की एंड एलर्जीज़ की एंड जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग इंटरेक्शन जो भी, उसकी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री के अंदर रहती है, तो इससे किसी भी तरह का रिस्क जो है वो पेशेंट को नहीं होता। उसके बाद में इससे ड्रग रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी है वो सब डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट की ज़रूरतें क्या हैं एंड साथ साथ पेशेंट की बीमारी क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हमें सजेस्ट करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें जो है हमें पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू से मिलती है। अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में आएगा नीड फॉर पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, मतलब पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू की ज़रूरत क्या है। तो वही चीज़ें कि सारी दवाइयों का हमें पता चल सके, ड्रग इंटरेक्शंस का पता चल सके, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो भी हो रही हैं उसका पता लग सके, एंड पेशेंट को किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है, सारी की सारी चीज़ों का हम लोग पता लगा सकते हैं पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू की मदद से। ठीक है, तो एक एक्यूरेट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू जो है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी मदद से क्या होता है कि जो भी ड्रग्स आज तक पेशेंट ने ली है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में ड्रग जो है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरीके से वो पेशेंट की बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही है, वो कंप्लीट चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती है। देन प्रिस्क्रिप्शन एरर्स जो है वो अवॉइड करने में हमें कहीं ना कहीं मदद मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री होती है उसकी मदद से कोई भी एक ड्रग जो है वो दोबारा से प्रिस्क्राइब नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स जो है वो लिखी होती है, साथ साथ ड्रग इंटरेक्शन से बचा जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो है उनका डिसकंटिन्यूएशन करने मदद मिलती है, उसके बाद में ड्रग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब डिटेक्ट करने मदद मिलती है, तो इस वजह से प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो भी एरर्स है वो अवॉइड करने के चांसेस जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में
पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू की मदद से हम लोग क्या है जो भी दवाइयों की प्रोफाइल्स है उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई भी एलर्जी है पेशेंट को या कोई भी एडवर्स रिएक्शन पहले से उनके अंदर देखने को मिले किसी भी दवाई की वजह से, वो सब चीज़ें हम लोग को पता चल जाती है। देन ड्रग इंटरैक्शंस जो है उनके बारे में हम लोग को पता चल जाता है किसी तरह की ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं हुई है। देन उसके बाद में पेशेंट मेडिकेशन कंप्लायंस के बारे में हम लोग को पता चल जाता है, मतलब पेशेंट जो है उनको कौन सी दवाई सूट करती है नहीं करती, साथ साथ पेशेंट जो है वो दवाई टाइम टू टाइम ले रहे हैं नहीं ले रहे, सारी चीज़ों का हम लोग को पता चल जाता है। देन ड्रग एब्यूज़ के तो कोई चांसेस नहीं है, मतलब उन्होंने कोई भी ड्रग का मिसयूज़ वगैरह तो नहीं करा, वो चीज़ भी पता चल जाती है। उसके बाद में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट किस तरीके से बहुत ही आराम से किस रूट से दवाई ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम लोगों को पता चल जाती है। तो सिंपली पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू की ज़रूरत क्या रहेगी, तो जैसे हम कोई भी नई दवाई जो है वो किसी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को सारी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मिल जाती है, जिसकी मदद से नई दवाई जो हम प्रेस्क्राइब करें उसे बहुत ही तरीके से एंड इस तरीके से प्रेस्क्राइब करें कि उस दवाई के बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो आ सके, साथ साथ किसी तरह की एलर्जीज, एडवर्स रिएक्शन, ड्रग इंटरैक्शंस उन सबको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ हमारे पास में आती है, डेटा टू बी ऑब्टेंड इन पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, मतलब जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू होता है उसके अंदर एक्चुअली कौन कौन सी डेटा जो है, कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो हम पेशेंट से लेते हैं जो हमारे पास में काम में आती है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हम डेटा कलेक्टेड देखेंगे ना, यही सारी डिटेल्स जो है जब मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर यही सारी डिटेल्स हम लोग को वहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में आती है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर पेशेंट का कंप्लीट डेटा आता है कि मतलब उनकी एज क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी हाइट क्या है, वेट क्या है, ठीक है। उसके बाद में उनका रेजिडेंस कहाँ पर है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। देन सेकेंड चीज़ आती है डाइट्री इन्फॉर्मेशन। डाइट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे कोई चीज़ उनको खाने के लिए मना है या फिर किसी चीज़ से उन्हें एलर्जी है, ठीक है, या फिर वो किसी तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, स्टिमुलेंट्स ले रहे हैं, सप्रेसेंट ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डाइट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर रहती है। नेक्स्ट आते हैं सोशल हैबिट। सोशल हैबिट के अंदर सिंपली जैसे कहीं वो टबैको का यूज़ तो नहीं करते, अल्कोहल का यूज़ तो नहीं करते, या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स को तो यूज़ नहीं करते जो कि जनरली नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है करेंट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, मतलब अभी कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस पेशेंट जो है वो ले रहा है तो उनका नाम होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसका डोज क्या वो ले रहे हैं वो होना चाहिए, डोज का शेड्यूल क्या है, उस दवाई को लेने का रीज़न क्या है, कब से स्टार्ट करी है एंड क्या रिजल्ट उस दवाई के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेम वही पास्ट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, पहले कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस अगर ली गई हैं तो उनका नाम एंड डिस्क्रिप्शन, उनका डोज शेड्यूल, रीज़न क्या था लेने का, कब दवाई लेना स्टार्ट करा और कब बंद करा, देन स्टॉप करने का रीज़न क्या, मतलब दवाई लेना बंद करने का कारण क्या है। उसके बाद में आउटकम क्या है थेरेपी का, मतलब क्या रिजल्ट आया वो दवाई लेने से। उसके बाद में करंट नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस एंड पास्ट नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, मतलब कोई भी जो दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करी गई हुई है ऐसी कोई दवाई वो अभी ले रहे हैं या फिर पहले ली थी पास्ट में, उनका भी नाम एंड डिस्क्रिप्शन, उनका डोज शेड्यूल, रीज़न क्या था लेने का, स्टार्ट डेट क्या है, आउटकम ऑफ थेरेपी क्या थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद में करंट एंड पास्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन अगर पेशेंट ले रहा है, पहले ली थी या फिर अभी ले रहे हैं, तो उनका नाम एंड डिस्क्रिप्शन, डोज क्या है, डोज शेड्यूल क्या है, रीज़न क्या है लेने का, स्टार्ट डेट क्या थी दवाई को स्टार्ट करने की, देन आउटकम ऑफ थेरेपी क्या है, एंड पास्ट के अंदर दवाई कब स्टार्ट करी, कब बंद करी एंड बंद क्यों करी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में एलर्जी जो है कि किसी भी दवाई से अगर कोई एलर्जी है तो वो चीज़ वहाँ पर मेंशन करनी होती है, ड्रग का नाम एंड उसका डिस्क्रिप्शन, देन उसका डोज क्या लिया था जिसकी वजह से एलर्जी हुई है, डेट क्या थी रिएक्शन की, एलर्जिक रिएक्शन की, देन जो रिएक्शन आया था बॉडी के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है, देन अगर रिएक्शन के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है तो वो ट्रीटमेंट भी वहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। देन आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो अगर किसी दवाई की वजह से कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुए हैं, ठीक है, तो उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए दवाई का नाम क्या था, उस दवाई का डिस्क्रिप्शन, उसका डोज, किस दिन रिएक्शन हुई थी, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो रिएक्शन हुई थी बॉडी के ऊपर एंड ट्रीटमेंट क्या लिया गया था उस रिएक्शन के लिए। देन आता इम्यूनाइजेशन, किसी भी तरह की अगर इम्यूनाइजेशन करवाया गया, जैसे वैक्सीन्स ली गई हैं तो वैक्सीन का नाम, देन वैक्सीन जो है वो किस किस डेट को एडमिनिस्टर करी गई है, वो चीज़ वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। लास्ट आता है पेशेंट कंप्लायंस टू मेडिकेशन एडहेरेंस, मतलब जो दवाई
फार्मासिस्ट या फिर प्रिस्क्राइबर जो है वो बताते हैं कि आपको ये दवाई लेनी है, तो उन्होंने टाइम टू टाइम दवाई ली है नहीं ली है वो वाली चीज़ें जो है वो भी यहाँ पर मेंशन रहती है। ठीक है, तो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के अंदर ये सारा का सारा डेटा जो हमने यहाँ पर देखा है, सारा का सारा डेटा उसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो हमारा था है मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म, तो इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, यही सारा का सारा डेटा जो है वो हम लोगों को वहाँ पर मेंशन करना होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म जो है वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर ये जो है मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू फॉर्म जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो डेमोग्राफिक डेटा जो है वो कंप्लीट मेंशन करा जाता है कि पेशेंट का नाम क्या है, उनका सेक्स क्या है मेल और फीमेल, देन कंसल्टेंट का नाम क्या है, देन कौन सा वार्ड है, देन एडमिशन की डेट क्या है, पेशेंट जो है उनके एडमिशन की डेट क्या है, देन इंटरव्यू जो है वो किस दिन लिया गया है। ठीक है, देन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस जो है उसकी कंप्लीट डिटेल आती है। पहले तो अभी अगर कोई भी प्रिस्क्राइब मेडिसिंस ली जा रही हैं उसके बारे में, देन पहले से अगर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है उसकी डिटेल्स आती है, उसके बाद में नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जो है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आती है। अभी कौन सी नॉन प्रिस्क्राइब दवाई को यूज़ करा जा रहा है, उससे पहले कौन सी दवाइयों को यूज़ करा जा रहा था। ठीक है, उसके बाद में सोशल ड्रग्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, जो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि सोशल हैबिट्स क्या हैं पेशेंट के, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया या फिर इलिसिट ड्रग्स का यूज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद में रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी, मतलब उन्होंने जो भी ड्रग थेरेपी ली है उससे उनका क्या रिस्पॉन्स आया, मतलब क्या रिजल्ट आया है उसका, वो कंप्लीट यहाँ पर जो है वो लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, डू एनी ऑफ दी थिंग्स यू बाय विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन हेल्प्ड यू, मतलब आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ली है उसकी मदद से आपको कुछ हेल्प मिली है या नहीं मिली है उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। देन साइड इफेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। देन पेशेंट कंप्लाइंस जो है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल के अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में व्हाट मेडिसिन वुड यू यूजुअली टेक फॉर, तो आप दवाइयाँ जनरली मतलब खुद ही लेते हैं तो वो किस रीज़न की वजह से लेते हैं, हेडेक की वजह से या फिर कहीं और ही हमारे पेन वगैरह हो रहा है, जैसे पेट दर्द हो गया, उसके बाद में हाथों में दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, तो उसकी वजह से या फिर किसी एलर्जी की वजह से दवाइयाँ ली जा रही हैं। एंड लास्ट हमारे पास में आता है, Who would you ask for medicines for headache, allergy, flu, etc. तो अगर आपको सर दर्द है, एलर्जी है या फिर फ्लू है तो उसके लिए आप दवाइयाँ किससे मतलब लेते हैं, फार्मासिस्ट से, रिलेटिव या फ्रेंड से, नर्स से, डॉक्टर से या किसी से, नहीं खुद ही ले लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में एनी अदर प्रॉब्लम्स विद ड्रग थेरेपी, तो ड्रग थेरेपी से आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीट यहाँ पे मेंशन करनी होती है। देन पेशेंट के कुछ कमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ उनके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं, लास्ट में फार्मासिस्ट का सिग्नेचर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली एक एग्जांपल देख लिया कि मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म जो है वो किस तरीके के होते हैं। अब हर एक हॉस्पिटल के थोड़े बहुत फॉर्म जो है वो अलग अलग रहते हैं, बट डेटा जो है वो कहीं ना कहीं यही सारा डेटा जो है उसके अंदर कलेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। मेन सबसे पहले हम लोग को यही पता होना चाहिए कि पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, सिंपली इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग को अच्छे से आनी चाहिए, यही मेनली पूछी जाती है। सिंपली पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू का इतना सा मतलब होता है कि पेशेंट जो है उनसे पूछा जाता है दवाइयों के बारे में कि वो अभी कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं, पहले कौन सी दवाइयाँ ली हैं, दवाई की वजह से किसी तरह की एलर्जी उनकी बॉडी में हुई है या फिर कुछ ड्रग इंटरैक्शंस हुई है, कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हुई है, कंप्लीट उसका जो डेटा होता है एंड वो पेशेंट से पूछा जाता है उसी को सिंपली पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।